अगर आप अपने घर में कलर करवाने वाले हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कलर का पेंट आपके घर में अच्छा लगेगा, सारे घर में एक ही पेंट करवाएं या हर रूम में अलग अलग कलर चूज करें, और फाइनली आखिर हम कौन सा कलर अपने घर के लिए चूज करें, क्योंकि मार्केट में अगर आप कलर चूज करने जाएंगे तो आपको 2,500-3,000 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से कोई एक कलर चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेकर मैं आज आपके पास आई हूँ। अगर आप अपने घर में एक वार्म और कोजी एनवायरनमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको अपने घर के लिए एक कलर कोड तो जरूर मिल जाएगा। सो लेट्स सी सम गुड बेज ब्राउन शेड्स फ्रॉम एशियन पेंट्स, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा कलर हमें कहाँ पर कराना चाहिए और उस कलर से आपको कैसी फीलिंग आएगी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा एंड वेलकम टू वॉइड डिजाइन स्टूडियो। तो हमारी लिस्ट में ना पहला कलर है सिल्वर स्प्री। एज यू कैन सी ये ना एक लाइट बेज शेड है, ऐसा समझो कि व्हाइट में ना थोड़ा बेज का टिंट है। हाँ, पर इतना भी लाइट नहीं है कि अगर आप वॉल्स पे लगा दोगे तो आपको वॉल्स व्हाइट लगेंगी, नहीं, एक बेज कलर आएगा आपका वॉल पे लगाने के बाद। और क्योंकि ये इतना लाइट है इसीलिए ये आपकी स्पेस को ब्राइटन अप कर देता है और वो स्पेस बड़ी लगने लगती है। लाइक अगर आपके पास कोई छोटा रूम है और आप ये कलर वहां पे कराते हो तो वो स्पेस आपको बड़ी लगेगी, छोटी नहीं लगेगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि छोटी स्पेसेस में आपको थोड़े लाइटर शेड्स ही कराने चाहिए। ये कलर बहुत एयरी है, डेलिकेट है और एक प्लेफुलनेस ऐड करता है रूम में। आप इसको आराम से पूरे घर में करवा सकते हो, विदाउट अ डाउट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट ड्रीम्स। ये एक प्रॉपर प्रोमिनेंट बेज शेड है जो आपके लिविंग रूम्स, बेडरूम्स, हॉलवेज में बहुत सुंदर लगता है। ये एक वार्म और कोजी फीलिंग देता है। अगर आपको वार्म शेड्स पसंद है ना तो दिस कलर शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। बहुत डार्क नहीं है इसीलिए आप इसको छोटी स्पेसेस में बड़े आराम से करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट शेड इज बेज एन। इस कलर का तो नाम ही है बेज, तो ये टिपिकल बेज कलर है। अगर आपको शेड थोड़ा भी इधर उधर नहीं चाहिए ना तो आप इस शेड को लगवा लो। अगेन बहुत प्रोमिनेंट कलर है बट डार्क नहीं है, मतलब ऐसा डार्क नहीं है कि रूम में लगाने के बाद रूम में अंधेरा अंधेरा सा लगेगा, जो यूजुअली डार्कर शेड्स लगाने के बाद ऐसा फील होता है, अनलेस यू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ सनलाइट कमिंग इनटू दैट पर्टिकुलर रूम। इसको आप लिविंग रूम्स में, हॉलवेज में, गैलरीज में, ऑल्सो स्टेयरकेस में आराम से करवा सकते हो। नेक्स्ट शेड है मेडो लार्क। ये अगेन एक बहुत लाइट बेज शेड है, बट लाइट भले ही हो ये कलर ना आपको फिर भी एक वार्म फीलिंग जरूर देगा। और इस कलर के साथ ना टीक वुड का फर्नीचर, डोर, विंडोज और उस पर नेचुरल पॉलिश करा लेना, फिर आपका रूम एकदम रिच और लग्जूरियस लुक देगा। आई मीन ये ऐसे शेड्स होते हैं जो भले ही कोई प्रोमिनेंट कलर ना दें आपके रूम में, बट ऑन द अदर हैंड एक हैप्पी, वेलकमिंग और कोजी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो कभी कभी हम ऑफ वाइट शेड से अचीव नहीं कर पाते। एंड दिस शेड इज आइडियल फॉर ऑल रूम्स। अगला शेड है सैंड्स ऑफ टाइम। अगेन ये एक लाइटर बेज शेड है, बहुत एयरी है, लाइट है, ब्राइट है, डेलिकेट है एंड केयर फ्री कलर है। ये कलर ना आप अपने लिविंग रूम एरियाज में, कॉमन एरियाज में, वेलनेस एरियाज में, इनफैक्ट आप स्टडी रूम और होम ऑफिसेज में इस कलर को करवा सकते हो। लाइटर कलर होने की वजह से ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखता है। नेक्स्ट शेड वी हैव इज विली फ्लावर। ये एक ब्राइट कलर है, डल नहीं है, तो इफ यू वॉन्ट आप अपने घर में एक ब्राइट शेड लगाओ जो आपके घर में फ्रेशनेस ऐड करे तो दिस शेड इज फॉर यू। ये पीस एंड हार्मनी को रेडिएट करता है। इस कलर के साथ अपना ग्रीन प्लांट्स रखना एंड देखना कैसे आपका रूम एकदम एलिवेट हो जाता है। ऐसी स्पेसेस में जहां आपको एक इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है वहां इस कलर को यूज कर सकते हो। लिविंग रूम्स, बेडरूम्स, हॉलवेज, इन स्पेसेस में ये कलर बहुत खिलकर आता है। नेक्स्ट शेड इज बुशलैंड। नाउ दिस इज टुवर्ड्स डार्कर साइड, तो अगर आपको थोड़ा बोल्ड आउटलुक देना है किसी स्पेस में तो ये कलर चूज करना। भले ही ये कलर थोड़ा डार्क है बट ये ओवरपावर नहीं करता, और अगर किसी रूम में अच्छे अमाउंट में सनलाइट आता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। इसको लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, फॉयर, इनफैक्ट स्टेयरवेल में भी करवा सकते हो, बहुत रिच लुक आता है। एंड नॉट एवरीबडी हैज द गट्स टू चूज सच बोल्ड कलर्स, तो डेफिनेटली आप स्टैंड आउट करोगे विद दिस शेड। नेक्स्ट शेड है वीट स्प्रिंग। इसका नेम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये कलर अपने नेम को जस्टिफाई करता है, विच इज वीट स्प्रिंग। ये कलर स्प्रिंग की तरह ही ब्राइट एंड हैप्पी फीलिंग देता है। ये एक सॉफ्ट और जेंटल कलर है, येट दिस इज इम्पैक्टफुल। आप इस कलर को बहुत क्रिएटिवली यूज कर सकते हो।
ये कलर बेडरूम में बहुत सुंदर लगता है एंड यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। अगला शेड है स्विस कॉफी। ये एक मीडियम रेंज का शेड है, नॉट टू डार्क नॉट टू लाइट। ये एक परफेक्ट शेड है आपके लिविंग रूम, बेडरूम, हॉलवेज और पैटियो के लिए। पूरे घर में भले ही इस कलर को मत करवाना, बट एक रूम में करा लो एंड इट विल अपलिफ्ट द होल रूम। ये एवरग्रीन कलर्स होते हैं एंड यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ दिस कलर फॉर श्योर। नेक्स्ट इज रॉयल क्राउन। ये एक डार्क ब्राउन शेड है, डार्क मतलब एक्चुअली डार्क, तो मैं रिकमेंड नहीं करती इस कलर को पूरे घर में कराने के लिए या इनफैक्ट एक पूरे रूम में भी कराने के लिए। यू कैन अवॉइड, क्योंकि डार्क शेड्स में ना रूम थोड़ा छोटा दिखने लगता है एंड वो रूम को थोड़ा डल भी बनाता है, अनलेस आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेस है। बड़े स्पेसेस में डार्कर शेड्स चल जाते हैं, बट जनरली घरों में जो रूम के साइजेस होते हैं उसमें डार्कर शेड्स हमें अवॉइड ही करने चाहिए। बट क्योंकि ये शेड बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको घर में एज अ हाइलाइटर कलर यूज कर सकते हैं। किसी एक कॉर्नर में, वॉल पर, निशेस में बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इनको डोर्स विंडोज पर भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं डार्क ब्राउन डोर्स एंड विंडोज घरों में। नेक्स्ट कलर इज कैफे लाटे। ये एक और डीप शेड ऑफ ब्राउन है, डीपर देन रॉयल क्राउन, तो इसको भी अवॉइड करना पूरे घर में या कम्प्लीटली एक रूम में कराने से। बट यप, ये एक गुड ऑप्शन है अगर आपको अपने घर में कोई हाइलाइटर वॉल देना है, और डोर्स और विंडोज के लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नाउ लास्ट शेड इज एंटेलोप। अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग कलर है, वो इसीलिए क्योंकि ये डार्क शेड है बट आपके रूम को डल नहीं करेगा। In fact, it adds a little drama to the space. And if you have a big living and dining combined and openness hai us jagah mein, to try karna ye wala color. And with light shade of furniture, this color looks amazing. And I bet ki aapke guests aapko compliment diye bina nahi jayenge. Aur iske saath bhi na green plants bahut sundar lagte hain. To is color ko apne ghar mein lagao and thank me later. So with this, हमारे beige brown shade की list end होती है। And if you have some other favorite shades from beige brown, तो नीचे comment में ज़रूर लिखना। And अगर आप interior या architecture consultancy हमसे कराना चाहते हो, तो you can connect with us। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी next video में। तब तक के लिए don't forget to like, share and subscribe to my channel। और bell icon दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली हर video की notification मिल जाए। Thank you for watching।